डियर स्टूडेंट, आज आपके सामने वर्ल्ड ऑफ वर्क इस सब्जेक्ट पर मैं कुछ बात करना चाहता हूं। आप 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं और 10th के बाद आपका करियर मेकिंग एजुकेशन शुरू होने जा रहा है। अगर आप इस यूनिवर्स पर गौर करें तो जितने भी रोजगार के मौके हैं वो जमीन की पैदावार, जंगल, पहाड़, समंदर, आसमान, इन तमाम फील्ड्स में भरपूर रोजगार, लाखों रोजगार मौजूद है। इसी बात को माहिरीन ने वर्ल्ड ऑफ वर्क कहा है। कुरान में भी ये बात सामने आई है, इरशाद फरमाया है, फंतशिरू फिल अर्द, जमीन पर फैल जाओ, जमीन पर मुंतशर हो जाओ। किस बात के लिए? वब्तगू मिन फदलिल्लाह, अल्लाह का जो रोजी या रोजगार अल्लाह ने पोशीदा रखे है पूरी कायनात में, उसे तलाश करो। तो डियर स्टूडेंट, मुंतशर होने का मतलब यह है कि आप मुख्तलिफ किस्म के ब्रांचेस, वो चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे मेडिकल हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, इन सब में आप अपने लिए रोजगार के मौके हासिल कर सकते हैं। इंजीनियरिंग एक ऐसा फील्ड है, जब तक ये जमीन, आसमान, चांद, सूरज, पहाड़, समंदर मौजूद है और इनसे प्रोडक्ट होगी, वो तमाम बातों के लिए इंजीनियरिंग एक लाजमी सब्जेक्ट रहेगा, लाजमी फील्ड रहेगी। अब आपको करना ये है डियर स्टूडेंट, कि 10th तक तो आपने जो भी एग्ज़ाम दिए या आपके रिजल्ट आना है, इसके बाद से आपको अपना करियर चुनना होगा। और ये करियर चुनने ही के लिए आपके सरपरस्तों ने आपको यहाँ तक एजुकेशन दी और उम्मीद है वो आगे भी आपको पढ़ाना चाहेंगे। आप खुशनसीब है कि आपको ऐसे सरपरस्त मिले जो आप पर, आपकी तालीम पर खर्च करना चाहते हैं। वरना आप अपने इर्द गिर्द देख सकते हैं कि बहुत सारे आपके साथी होंगे जिन्होंने बहुत पहले से स्कूलें छोड़ दी हैं। तो अब रोजगार पाने के लिए, रोजगार की एक फील्ड है प्रोडक्शन, दूसरी फील्ड है रिसर्च, तीसरी फील्ड है आपका प्रोफेशनल सर्विसेज, बिजनेस, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, और इसके बाद आपके ह्यूमन सर्विसेज, मसलन लोगों के इलाज, लोगों की ज़रूरतों के लिए उनके खिदमात, ये तमाम फील्ड में आपके लिए रोज़गार मौजूद है। इसके अलावा भी जितने गवर्नमेंट्स जॉब हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में भी आपके लिए बहुत सारी सर्विसेज है। हिंदुस्तान में ख़ास तौर से मिलिट्री, आर्मी, पुलिस, रेलवे, इनमें बहुत बड़ी तादाद में आपके लिए रोज़गार है। ज़रूरी नहीं है कि आप सभी डॉक्टर बने, ज़रूरी नहीं है कि आप सभी इंजीनियर बने, लेकिन
आपके लिए एक बेहतरीन रोजगार इस जमीन पर हमेशा मौजूद है। अब इस रोजगार के लिए आपकी रिक्वायरमेंट क्या होगी? सबसे पहले आपके अंदर एक सीरियसनेस का आना जरूरी है। अगर आप सीरियस नहीं हैं, संजीदा नहीं हैं, तो आप एक बेहतरीन करियर नहीं बना सकेंगे। इसके सीरियसनेस के बाद ही आप में नॉलेज, आप में स्किल, आप में स्पीड, आप में एक्यूरेसी, आपका कंसंट्रेशन, ये सारी चीज़ें मिलाकर आप अपना करियर बना सकते हैं। अगर इसमें से कोई एक भी चीज़ मिस हो जाए, कंसंट्रेशन मिस हो जाए, नॉलेज मिस हो जाए, स्किल मिस हो जाए, तो आप वो रोज़गार जो आप चाहते हैं या आपके सरप्रस चाहते हैं वो हासिल नहीं कर पाएंगे। लिहाजा मेरी आपसे अपील है कि आप अपने स्टडीज़ में वेरी सीरियसली आप अपनी स्टडीज़ करें। हार्ड वर्किंग, इसको कोई ऑप्शन नहीं है। और आप अपने नज़र के सामने अपनी वालिदा वालिद का चेहरा रखें। ये दोनों चेहरे आपको मेहनत करने की तरफ तरगीब देंगे। जब भी आप ये हंसी मजाक, जोक, तंज, टॉन्टिंग करें, तो पहले अपने माँ बाप के चेहरे को देख लें। आपके चेहरे से वो हंसी मजाक सब दूर हो जाएगी और आप एक सच्चे और अच्छे इंसान बनकर एक अच्छे करियर को पहुंच पाएंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला आप में ये तमाम सिफात पैदा करें। और जब आप 11th के लिए सिलेक्शन करें तो साइंस स्ट्रीम ये इंग्लिश मीडियम ही को ऑप्ट करें। उर्दू मीडियम में साइंस और मैथ्स के सब्जेक्ट पढ़े नहीं जा सकते और पढ़ाए नहीं जा सकते। ये एक अलग डिस्प्यूट का टॉपिक हो सकता, लेकिन ये सच्चाई यही है कि इन सब्जेक्ट के लिए आपके लिए बेहतरीन अगर कोई मीडियम हो सकता है तो इंग्लिश मीडियम। कॉमर्स में जा सकते हैं आप। एग्रीकल्चर एक सबसे बड़ी फील्ड है इंडिया में। अगर कोई चीज़ आपके लिए रोजगार के लिए सबसे बेहतरीन बन सकती है तो एग्रीकल्चर फील्ड हो। आर्ट्स में आप सर्विसेज में जा सकते, यूपीएससी, एमपीएससी और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और बैंकिंग, रेलवेज, तो ये तमाम के लिए आपको अभी से जो 10th का एग्ज़ाम अब आपके रिजल्ट आना है, उस रिजल्ट के बाद आप इन चारों पांचों फील्ड पर गौर करें और अपने आप को कमिट करें। हमारे साथी खान कमरुज़्ज़मा ये आपको और रोज़गार की जितनी फील्ड है उससे आपको इंट्रोडक्शन देंगे और आप इनके साथ रहकर अपना IQ और आपका एप्टीट्यूड टेस्ट, IQ टेस्ट करके अपने आप को किस करियर के लिए आप काबिल हैं वो निकालें। अल्लाह आपको आपके माँ बाप की गौर व फिक्र करने की, उन पर उनकी मोहब्बत करने की तौफीक दे और अपने करियर को बनाने की हिम्मत और सलाहियत दे। बहुत बहुत शुक्रिया।